मैं जानती हूँ कि तू बहुत हर्ट है, पर ये सब तो क्या बोल रही है? चुप हो जा प्लीज। अरे चुप हो जाओ क्यों? अभी चुप हो जाऊंगी तो बोलूंगी क्या? आज ही का दिन है हमारे पास, सोना क्यों नहीं समझ रही है? आज ऋषि लक्ष्मी से शादी करा हमें, हमें कुछ तो आज ही करना पड़ेगा ना। अगर आज कुछ नहीं किया ना तो कभी कुछ नहीं कर सकते, मेरी और ऋषि की शादी कभी नहीं होगी। आज ही का दिन है बस हमारे पास, दैट्स इट। और मॉम, आपने मुझे बोला था ना कि मैं आपको मॉम बुलाऊं, लेकिन आपने तो ये आज बोला है। मैं तो आपको दिल से कब से मॉम मान रही हूँ, अपने अपने दिल में मैं सालों से मॉम मानती हूँ, बचपन से मॉम मान रही हूँ। तो अपनी बेटी की ये विश पूरी करिए ना, अपना फर्ज निभाइए ना, प्लीज प्लीज। मुझे मेरा ऋषि दिलाइए वापस, मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करिए, मेरी और ऋषि की शादी कराइए। डोंट वरी भाई, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा होता रहता है यार। अब आप खुद सोचो ना यार, हर चीज़ जो आप डिसाइड करो उससे हर कोई खुश हो, ऐसा ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हाँ, पर ये ज़रूरी है कि आप दोनों शादी करो। ऋषि भाई, जो आपने डिसीजन लिया ना, आप उसे बैकआउट मत करना, कुछ भी हो जाए शादी ज़रूर करना। आयुष, लेकिन मॉम के आशीर्वाद के बिना शादी कर लूँ? पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखिए मॉम, ऐसा ना हो कि मेरे दिल में आपकी वैल्यू खत्म हो जाए, आपकी कोई बात की वैल्यू ही ना रहे। मलिष्का प्लीज, ये कैसे बात कर रही हो तुम भाभी से? देखो भाभी ने बहुत कोशिश की है और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो मलिष्का। ऐसी कोशिश किस काम की आंटी, जिसमें कोई फायदा ही नहीं है, हर बार फेल होती है ये, ऐसी कोशिश तो किस काम की है? ऐसी कोशिश मुझे नहीं पता, अब हमें कोशिश नहीं करनी, अब हमें करना ही है। अब आप मेरी और ऋषि की शादी कराइए, चाहे जैसे भी हो, आप मेरी और ऋषि की शादी कराओ बस। मैं इस घर में डोली में आना चाहती थी, अब या तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे मैं इस घर में डोली में आऊं, फिर कुछ ऐसा करिए जिससे मेरी अर्थी जाए यहाँ से। दी, दी क्या हुआ? क्यों उदास अब? जिस चीज का डर था वही हूँ। ऋषि की मॉम और करिश्मा आंटी, वो दोनों अभी भी नाराज हैं ऋषि से। मुझे नहीं लगता कि अब ऋषि और उसकी मॉम का रिश्ता कभी भी ठीक हो सकता है। मेरी वजह से दोनों दूर हो गए। ती, तेरे वजह से क्यों? तूने कुछ भी नहीं किया है, तो खुद को दोष देना बंद कर दे। तू कभी नहीं चाहती थी कि जीजू और उनकी मॉम अलग अलग हो, जो हुआ वो हालात की वजह से हुआ। और ये सारे हालात बने किसकी वजह से? नीलम आंटी की वजह से बने। दी, उन्होंने जीजू को मजबूर कर दिया कि वो अपने प्यार और अपनी माँ में से किसी एक को चुने, तो क्या करते, वो भी मजबूर थे ना। वही तो दी, उन्होंने जीजू को मजबूर किया। जीजू तो तुझसे प्यार करता है, नीलम आंटी से भी प्यार करता है, वो तुम दोनों को अपनी जिंदगी में रखना चाहते थे, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ही वैसे थे तो उन्होंने शर्त रख दी जीजू के सामने कि तुम दोनों में से किसी एक को चुने, और उन्होंने तुझे चुना। उसमें उनकी गलती नहीं है और तेरी भी कोई गलती नहीं है। दी, सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत ले, ठीक है? ऋषि बेटा है उनका, जन्म दिया उन्होंने, ऋषि का अपना हिस्सा, अपना अंश है। पता है कितने सपने होते हैं एक माँ के अपने बेटे की शादी को लेके, और आज वो ऋषि की शादी में नहीं होंगी तो कैसा लगेगा? मुझे उनके बिना ये शादी करना ठीक नहीं लग रहा। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।